बिग बॉस 11 के मंच पर अब तक आपने कई स्टार्स को देखा है जिन्होंने अपने अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए इस शो का रुख किया है, लेकिन अब अपने भाईजान भी बिग बॉस 11 के मंच का भरपूर उपयोग करने के मूड में है। बीते दिनों उन्होंने अपनी नई फिल्म रेस 3 की पूरी स्टार कास्ट को शो पर आमंत्रित किया था और अब वो इस क्रिसमस पर आने वाली अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है की को स्टार कैटरीना कैफ के साथ लोगों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, इस वीकेंड पर भाईजान लोगों को मनोरंजन का डबल डोज देने वाले हैं, क्योंकि इस बार उनके साथ कैटरीना कैफ बिग बॉस 11 के मंच पर स्वैग से सबका स्वागत करती दिखेंगी। अगर बात करें टाइगर जिंदा है की तो इसे डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बनाया है जो सलमान खान के साथ सुल्तान जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। सुल्तान की अपार सफलता का ही असर है कि ट्रेड भाईजान की इस फिल्म से जबरदस्त कमाई की उम्मीद कर रही है। वैसे दर्शकों ने फिल्म के ट्रेलर और पहले गाने को जिस तरह का रिस्पांस दिया है उससे ऐसा लग रहा है कि टाइगर जिंदा है साल 2017 की सबसे सफल फिल्म साबित हो सकती है। बाकी फिल्म को लेकर दर्शकों का क्या फैसला होगा ये तो साल के क्रिसमस पर ही पता चलेगा। वैसे आप बिग बॉस में सलमान के साथ कैटरीना को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।